बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। आज एक और एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और डेल का ये सर्वर सिस्टम है R720, तो इसके मुतालिक हम आपको आज बताएंगे कि डेल R720 सिस्टम, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये सिस्टम, इसका पर्पज़ क्या है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और दूसरा इसका हमने आपको ये बताना है कि इसमें हार्डवेयर क्या क्या होता है, प्रोसेसर कौन सा होता है, रैम कौन सी होती है, मैक्सिमम रैम आप इसमें कितनी लगा सकते हैं, इसमें हार्ड डिस्क जो है वो किस तरह की आती हैं, और इसके जो बाकी जो फीचर्स हैं वो अभी आपको बताएंगे, और प्लस आखिर में हम आपको इसकी प्राइस बताएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो इस चैनल को लाइक कर दें और बेल वाले आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम इसकी इसको ओपन करेंगे, इसके कवर को, और थोड़ा सा आपको आइडिया बताएंगे कि सर्वर जो है ये है कौन सा बेसिकली। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये R720 डेल का ये सर्वर है और बहुत ही ये हैवी ड्यूटी सर्वर है, और इसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे। ये इसका टॉप कवर है जो इजीली आप इसको ओपन कर सकते हैं, कोई ऐसे इतना इशू नहीं है। तो अभी ये हम आपको सर्वर दिखाएंगे कि ये सर्वर बेसिकली अंदर से इंटरनली किस तरह का होता है। इसमें ये कूलिंग फैन लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कूलिंग फैन बेसिकली प्रोसेसर और रैम को ठंडा करने के लिए होते हैं। इसमें दो प्रोसेसर की आपको ऑप्शन नजर आ रही है, 1 और 2, और इसमें आप दो प्रोसेसर लगा सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर रैम की बेशुमार स्लॉट्स हैं। ये रैम, इसमें रैम आप अप टू 384 GB लगाएं, 512 GB लगाएं, रैम की कोई इसमें आपके लिए कैद नहीं है, मैक्सिमम रैम ये सपोर्ट करता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर बेसिकली, ये आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये सर्वर, इसका पर्पज़ क्या है। तो बेसिकली इस सर्वर का पर्पज़ ये होता है कि ये एज अ डेटा बेस सर्वर भी इसको यूज़ किया जाता है, शॉपिंग मॉल के बैक एंड पे जो यूज़ हो रहे होते हैं सर्वर, वहाँ पर यही सर्वर यूज़ होते हैं, या इससे जो लेटेस्ट मॉडल है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो इस सर्वर ने क्योंकि 24 घंटे लगातार चलना होता है, तो इसलिए ये बहुत हैवी सर्वर्स होते हैं जिसमें ड्यूल प्रोसेसर लगाए जाते हैं, और इसमें रैम्स, अब इस सिस्टम में रैम जो लगी हुई है वो 64 GB रैम है, DDR3 की रैम, तो रैम भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, क्योंकि इससे 24 घंटे लगातार चलना होता है, तो उसको आप देख सकते हैं कि इसमें एक वक्त में 2 पावर सप्लाईज इसके अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं। एक पावर सप्लाई एक वक्त में चलती है, दूसरी पावर सप्लाई वो इमरजेंसी बेस पे होती है कि अगर खुदा ना खास्ता एक पावर सप्लाई जल जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो काम आपका डिस्टर्ब ना हो, सिस्टम आपका चलता रहे। अब हम आते हैं कि इसमें जो दो प्रोसेसर लगे हुए हैं वो कौन से प्रोसेसर लगे हुए हैं। इसमें इंटेल के प्रोसेसर लगे हुए हैं ज़ियोन बेस पे के E5-2650। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर जो है उसकी 8 कोर है, 16 थ्रेड्स है और 20 MB कैशे के साथ है, और इसी तरह जो दूसरा प्रोसेसर है वो भी 8 कोर, 16 थ्रेड्स और 20 MB कैशे। तो ये दोनों प्रोसेसर मिला के 16 कोर्स बनती हैं, 32 थ्रेड्स बनते हैं और 40 MB इसकी कैशे बनती है, और इसके अंदर जो रैम हमने लगाई है वो 8 GB DDR3 के 8 मॉड्यूल्स लगाए हैं, तो ये बनती है 64 GB DDR3 रैम बनती है। अच्छा, ये तो हो गया इसके प्रोसेसर का और रैम के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमने आपको बतानी थी। अब जो मेन चीज़ है इसके अंदर कि इस सिस्टम के अंदर जो हम हार्ड डिस्क लगाते हैं वो सेस की हार्ड डिस्क होती है विद रेड कंट्रोलर के साथ। तो रेड कंट्रोलर में रेड कंट्रोलर 0 भी आता है, 1B, 2B, 3B, तो वो आपकी ऑप्शन होती है कि आप कौन सा रेड कंट्रोलर करना चाहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क जो है वो सेस की लगाई जाती है, क्योंकि सेस का जो RPM लेवल है बहुत अच्छा होता है, 10,000 RPM भी आता है, 15,000 RPM भी आता है, तो हार्ड डिस्क इसमें सेस की लगाई जाती है क्योंकि इसने कंटिन्यूसली चलना होता है और डेटा एक्सेस, डेटा रीड राइट ये बार बार क्योंकि होता है, तो इसलिए हार्ड डिस्क जो इसके अंदर चाहिए होती है वो अच्छी चाहिए होती है। तो ये आपको हम फ्रंट से दिखाते हैं कि इस सिस्टम के अंदर आप एक वक्त में 16 जो है ना वो हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, 16 हार्ड डिस्क सेस की या साटा की आप इसके अंदर लगा सकते हैं, और इसकी जो हार्ड डिस्क है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ये हार्ड डिस्क किस तरह की होती है। तो ये हार्ड डिस्क सेस की होती है और 2.5 इंच इसका साइज होता है, और 2.5 इंच है। अब ये 1 TB की हार्ड डिस्क है और ये 1 TB साटा की हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो इसकी दो हार्ड डिस्कें जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। अब इसके अंदर सेस भी लगा सकते हैं और नॉर्मल साटा भी लगा सकते हैं,
ये जो हार्ड डिस्क है ये नॉर्मल साटा की हार्ड डिस्क है और 1 टेराबाइट की कॉन्स्टलेशन 2 की हार्ड डिस्क है। तो इसको ताना लगाना बहुत सिंपल होता है, तो ऐसे जिसका कोई इशू नहीं होता। इसके अंदर 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट जितनी हार्ड डिस्क आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरा, हमने इसके अंदर SSD लगाई है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें SSD है। ये हमने गीगाबाइट की SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव वो हमने इसके अंदर यूज़ की है, ये आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव गीगाबाइट की, ये ब्रांड न्यू SSD है और इसका जो साइज़ है वो है 512 GB के साथ। तो इसके अंदर हमने विंडोज़ सर्वर 2012 इंस्टॉल किया है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 इंस्टॉल नहीं किया जाता, इसके अंदर विंडोज़ सर्वर की जाती है, क्योंकि विंडोज़ सर्वर की परफॉर्मेंस जो है वो इन सिस्टमों के लिए सूटेबल होती है, और जिस तरह का डेटाबेस एज अ डेटाबेस इसको सिस्टम यूज़ करना है तो वहाँ पर विंडोज़ सर्वर यूज़ की जाती है, नॉर्मल विंडोज़ को हम इसको इसमें यूज़ नहीं करते। और इसके अंदर ये फ्रंट से अगर आप इसको देखते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें ऑप्टिकल की भी ऑप्शन मौजूद होती है और फ्रंट USB वगैरह ये ऑप्शन सारी मौजूद होती है। और ये तो था सिस्टम का थोड़ा सा तारुफ कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन कौन से हैं, इसमें आप रैम कितनी लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क सेस है वो ऑप्शन दी इसके अंदर, और इसके अंदर 2 रिडंडेंट पावर सप्लाईज वो भी मौजूद है। तो अब आते हैं इसकी प्राइस वैल्यू की तरफ कि इस सिस्टम की इस वक्त मार्केट में प्राइस वैल्यू कितनी है, कि अगर आप इस सिस्टम को परचेज करना चाहें तो इस सिस्टम की प्राइस कितनी है। तो ये सिस्टम दोबारा मैं आपको स्पेक्स दोबारा बताता हूँ कि E5 2650 ऑक्टा कोर के 2 प्रोसेसर इसके अंदर लगे हुए हैं, यानी कि 16 कोर और 32 थ्रेड्स के साथ, और रैम है इसमें 64 GB DDR3 के साथ, और प्लस हार्ड डिस्क इसमें है 1 टेराबाइट की 2 हार्ड डिस्कें हैं, और प्लस 512 GB की SSD लगी हुई है और ड्यूल पावर सप्लाई के साथ है। तो इस सिस्टम की इस वक्त जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,12,000। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो ये आपको 1,12,000 के हिसाब से ये सिस्टम आपको मार्केट में अवेलेबल है, और इसका 1 मंथ का बैकअप भी होता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई अगर मिस ऐप हो जाता है, कोई चीज़ जल जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो डैट्स बैड लक, तो उसका बैकअप नहीं होता। लेकिन उसके अलावा चलने के दौरान किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू आ जाए, तो उसमें आपको कस्टमर को हम बैकअप भी देते हैं, और इन केस कस्टमर ने इसमें रैम इंक्रीज करनी है, सेल्स की हार्ड डिस्क मजीद लगानी है, और कोई भी चीज़ में अगर आप प्रोसेसर मजीद अपग्रेड करने हैं, इससे हैवी प्रोसेसर भी मार्केट में मौजूद है वो लगाने हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि वक्तन फवक्तन आपको जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो इसलिए आपसे बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।